बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। कड़ाके की ठंड के बीच बेमौसम बरसात देखने को मिली। ये आलम दरअसल पटना में सुबह तकरीबन 3 बजे शुरू हुई। इसके अलावे समस्तीपुर, सिवान, बक्सर समेत राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। इधर कोहरे के बीच बूंदाबांदी से राज्य में एक बार फिर से कनकनी बढ़ गई है। जानकारी हो कि बिहार में 18 दिनों से भीषण ठंड के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 23 जनवरी से लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान दिन का मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन शाम और रात में ठंड का असर देखने को मिल सकता है। इधर इस बीच आज सुबह से ही लोगों को बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इधर राज्य में हो रही बूंदाबांदी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार हिमालय से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के पश्चिमी हिस्से तक मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बूंदाबांदी के कारण ठंड में कमी आएगी। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बताते चले कि बिहार का गया जिला सबसे अधिक ठंड रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री है। पूरे प्रदेश में अभी 5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। इसके साथ ही साथ नमी और कोहरे की वजह से आर्द्रता 80% है। वहीं आपको बता दें कि एकाएक बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। कड़ाके की ठंड के बीच बेमौसम बरसात देखने को मिली। ये आलम दरअसल आज सुबह तकरीबन 3 बजे से शुरू हुआ। ये बूंदाबांदी पटना के अलावे समस्तीपुर, सिवान, बक्सर समेत राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। इधर कोहरे के बीच बूंदाबांदी से राज्य में एक बार फिर से कनकनी जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार में 18 दिनों से भीषण ठंड के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 23 जनवरी से लोगों को राहत मिल सकती है। इस दौरान दिन का मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन शाम और रात में ठंड का असर देखने को मिलेगा। इधर इस बीच अब आज सुबह से ही लोगों को बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। ऐसे में ठंड जो है उसका आलम थोड़ा सा ज़रूर बढ़ा है। इधर राज्य में हो रही बूंदाबांदी को लेकर मौसम विभाग ने भी अब जानकारियां साझा की है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के पश्चिमी हिस्से तक मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बूंदाबांदी के कारण ठंड में कमी आएगी। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में इस कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जो कि काफी अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बिहार का गया जिला जो है वो सबसे ठंड रहता है। ऐसे में उसका न्यूनतम तापमान भी काफी कम है। बता दें आपको कि उसका न्यूनतम तापमान जो है वो 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री है। पूरे प्रदेश में अभी 5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिस कारण से भी ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही है। इसके साथ ही साथ नमी और कोहरे की वजह से आर्द्रता जो है वो 80% हो गई है। मतलब साफ है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऐसी ठंड से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं।